अनुशकों का बेड़ा पार कर दो ना अब सरकार, कहीं दीप जले कहीं दिल, मुख्यमंत्री ने भाव अपना वादा था। शुरू करते हैं आज का पूरे नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का विशेष शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज, चुनाव तक चलेगी वार्ता, फिर देखेंगे आखिर शिक्षकों की समस्याओं के लिए समिति का गठन तो हो ही गया है और क्या चाहिए। देर से आना जल्दी जाना, जब तक रहना मुश्किलों को गिनाना। वैसे भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के निदान का आश्वासन मिल चुका है, समिति का गठन हो रहा है। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूर्व से अवगत है कि समिति गठित की है सरकार ने समस्याओं को सुनने के लिए और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निराकरण आज की डेट तक भी कुछ भी नहीं हुआ है। सर्वविदित है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इन्हें सस्ते में निपटा दिया जाए, लेकिन इधर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के नेता हैं, उनके लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना समायोजन और नियमितीकरण चाहते हैं, लेकिन सरकार इस बात पर आमदा नहीं है। अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, मुख्य सचिव बेसिक इसमें शामिल रहेंगे, इसलिए दिल खोल कर अपनी बात कहिए, सबकी सुनवाई ज़रूर होगी। ये ऑफर शिक्षकों के साथ शिक्षक नेताओं के लिए आया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको बता रहा। दरअसल वह भी लंबे समय से बेरोजगार थे, अब कहीं ना कहीं मुलाकात का मौका मिलेगा और वह दावा ज़रूर करेंगे कि मैंने ये तीर मार दिया, मेरा भी यही प्रयास था जो रामराज का आया। खैर चुनाव आ रहा है, सरकार को भी कुछ दिखाना है, तो नेताजी को काम मिल ही गया, अब इसी बहाने फ़ोटो खिंचवाएंगे, अफसरों से करीबी रिश्तों का दावा होगा, गुलदस्तों का लेन देन भी होगा और कहिए क्या कहिए, फिर आगे 5 साल के लिए सब टल जाएगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, पता नहीं क्या होगा अनुदेशकों का और संविदाकर्मियों का, शिक्षकों का। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि सरकार ने पूरी तैयारी की है कि उसे क्या करना है, हो सकता है चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले ही, चुनाव शुरू होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले कुछ ना कुछ ये घोषणा करें। अब देखते हैं वो क्या घोषणा होगी। और यहाँ पर निकायों में जो संविदा पद हैं उनको नियुक्तिकरण के लिए इन्होंने कार्रवाई शुरू की है, अपने लोगों का कब नंबर आएगा ये राम भरोसे है अभी फ़िलहाल। लेकिन फिर भी मैं अपने चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के को मैं निवेदन के साथ, अपने पूरे अनुदेशक परिवार के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे हक और अधिकार के बारे में सोच कर समझ कर और अपनी कृपा बनाकर हमारा समायोजन करने का और हमारे स्थायीकरण करने का जो वादा आप लोगों ने वादा किया था उसे ज़रूर निभाएं और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का कष्ट करें। इसी समाचार के साथ सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।